सेक्शन ऑफ क्रिकेट पर फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले टी20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ। सबसे पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फिर से जुड़े हुई बहुत सारी रोचक बातें आपको सामने आने वाली। तो शुरू करते हैं जिस तरीके से वेस्ट इंडीज और इंडिया के आगे ओडीआई सीरीज फिनिश हुई, जो इंडिया ने 2-1 से जीते। आई थिंक वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी में स्पेशली कहूँगा कि काफी ना कभी समझ से परे नजर आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिन्होंने 3 फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं उसमें अलग अलग टीमों को चेंज किया। अरे उन तीनों टीमों में से बेस्ट प्लेयर को लेकर एक टीम बनाया, उस एक टीम को तीनों फॉर्मेट में खिलाया, दैट वाज सुपर। वो बहुत अच्छा रहेगा दैट मीन। और पर जैसा मैनेजमेंट सोचे, लेकिन इस मैच की बात कर लेते हैं। ब्रेलगाड़ा क्रिकेट अकादमी में दूसरा मैच था, पहले गौरिया मैच हुआ था और ये दूसरा मैच था टी20, पहला टी20 मैच। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिस तरीके से ब्रैंडन किंग ने शुरुआत की, आई थिंक दैट लुक सुपर। आकाश दीप के की और उन्होंने बाउंड्रीज पहले और दो बाउंड्रीज का नज़ारा पेश किया, लेकिन कैली मायर की जो विकेट गई वो पहले चहल की गेंद, और आज उसका एक चहल की गेंद विकेट पर गई। और उस बारे में एक बात खास बात भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो इस पूरे वीडियो के दौरान आप लोगों को पता चलेगा, तो वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। कैली मायर ओडीआई मैचेस में लास्ट के 3 मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंस किए, लेकिन कल के मैच में 7 गेंदों में 1 रन। वजह क्या रही इसके पीछे की, क्या आप लोगों ने थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश की? लेकिन जो मुझे नज़र आया, जिस तरीके से मैंने अगर पूरे मैच में देखा और कैली मायर की उस बल्लेबाजी को ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगा कि स्ट्राइक रोटेट ना हो पाना दैट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं उस स्ट्राइक को थोड़ा सा मद्देनजर रखूँ, कैली मायर जिस कैलिबर के खिलाड़ी हैं स्ट्राइक रोटेट। और सबसे बड़ी बात की ऐसे खिलाड़ी को ना हर समय स्ट्राइक मिलनी चाहिए, और वो 5-7 के अंदर स्ट्राइक से दूर रहता है तो कहीं ना कहीं अंदर झंझलाहट वो आउट ऑफ मैं कह सकता हूँ कि सिनेरियो हो जाता है। फिर उसे चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, उसे मेंटेन करने में समय लगता है, और यही हुआ कैली मायर के साथ। और जब फील्डिंग पर जो युजवेंद्र चहल इस बात को भरी बात ही भाव रहे थे, वो कैली मायर को ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर आपने मैच को देखा हो तो पूरी तरीके से इस बात को देखा होगा कि किस तरीके से युजवेंद्र चहल कई मौक़ों पर हार्दिक पांड्या से जाकर बातचीत की और पॉइंट आउट किया कैली मायर की तरफ। शायद उनकी प्लानिंग फील्डिंग के दौरान ही चल रही थी कैली मायर को लेकर, किस तरीके से मुझे यह गेंदबाजी करानी है, क्योंकि तो वो जो फेस था जहाँ पर कैली मायर आउट ऑफ फोकस हो रहे थे, क्योंकि स्ट्राइक उन्हें मिल नहीं पा रही थी, और जिस तरीके से एक आंसर ब्रैंडन को स्कोर किए जा रहे थे, तो वो कहते बल्लेबाज झुंझलाहट होता है। और इसका फायदा युजवेंद्र चहल को मिला, उन्होंने स्थिति को भली भांति भाप के अगर स्वयं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हार्दिक पांड्या को बोला। और हार देखिए जब युजवेंद्र चहल बॉलिंग करने आए दैट मीन्स की 2.1 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी थी, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू युजवेंद्र चहल ने लेके चला। और पहली गेंद जो स्लाइड में मैं कहूँगा मिडिल स्टंप के आसपास उसने टिप किया, और वो लॉन्ग वन थी क्योंकि लेग स्पिनर है, और वो गेंद मिडिल स्टंप से टिप पर पड़ने के बाद उनके पिछले पैर पे, और देखिए एक बड़ा अपवाद बड़ा डिसीजन दोनों ऑन फील्ड प्लेयर्स के लिए करूँगा, क्योंकि नोस्टा के अंदर ब्रैंडन मैकलम थे और सॉरी ब्रैंडन किंग थे और स्ट्राइक कैली मायर और आउट हो चुके थे, अंपायर ने आउट दे दिया था। और उन्होंने कोई बात विचार विमर्श नहीं किया ब्रैंडन किंग के साथ कि क्या मुझे रिव्यू के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो मेन कारण था किस लिए वो गए नहीं, इन सभी लोगों क्योंकि अधिकतर लोगों ने क्या समझा रिप्ले देखने के बाद कि शायद DRS, ऐसी कॉमेंटेटर बॉक्स से भी आवाज़ें आ रही थी और सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई जाना चाहिए था ब्रैंडन किंग से सलाह मशवरा करना चाहिए, आपने उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं। उन्होंने इसके पीछे की मेन वजह क्या थी अगर किसी ने समझने की कोशिश की, एक तो गेंद में टिप्पा जो मिडिल स्टंप के आसपास या लेग और मिडिल के बीच में कहीं ना कहीं वो मैं कहूँगा मिडिल स्टंप बिल्कुल फोकस थी मिडिल स्टंप की टिप्पा, लेकिन वो रॉन्ग वन थी और उसने पिछले पैर पे हिट किया था। मेरी बात को ध्यान से समझिए, पिछले पैर पर जब आपकी बॉल हिट करती है तो वो पैर स्टंप के बहुत नज़दीक होता है, तकरीबन 6-8 इंच की दूरी पर मुश्किल से होता है, और वहाँ से गेंद कितनी भी स्पिन होगी ना तो वो स्टंप को हिट करेगी। जब बॉल ने टिप्पा विद इन स्टंप लिया है मिडिल स्टंप पे लिया,
और जब आपका पैर है वो ऑफ स्टंप पे है और वहाँ बॉल रॉन्ग जाके हिट कर रही है तो दैट मींस यू आर प्लम, उस शब्द की गुंजाइश ही नहीं रहती। और यही गलती ब्रैंडन किंग से हुई, यही गलती कैरी मार्क्स हुई कि वो DRS के लिए नहीं गए, क्योंकि पिछले अगर वही स्ट्रोक जो स्वीप करते हैं उनके फ्रंट फुट पर लगाता तो 99% कैरी मार्क्स DRS के लिए जाते और ब्रैंडन किंग भी उन्हें कहते, क्योंकि लेकिन पिछला पैर था गेंद, उन्हें भी पता था गेंद स्पिन हो चुकी है लेकिन इतनी स्पिन नहीं होगी कि वो उसको मिस कर दे। और एक ये मेन वजह रही कि ब्रैंडन किंग ने भी उन्हें नहीं कहा कि आप रिव्यू बार लेके देखिए, और स्वयं कैरी मार्क्स के भी दिमाग में नहीं आया कि क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को देखिए कोई बल्लेबाज होगा इस चीज़ को बहुत भली भांति तरीके से पहचाने का कि जब अनुमान हमारे पिछले पैर पर जो क्रीज के अंदर है जो स्टंप के नज़दीक हो वहाँ अगर बॉल हिट होती है आउट ऑफ 99.9 टाइम्स आप आउट हो, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है क्योंकि वहाँ तक जब बॉल पहुँचती है ना पिछले पैर तक उसका स्पिन खत्म हो चुका होता, वो ऑलमोस्ट फिर उस लाइन को पकड़ के निकल जाती है। और यही हुआ कि ब्रैंडन किंग ने उन्होंने नहीं कहा कि एक बार चेक कर लीजिए या खुद कैरी मार्क्स के दिमाग में नहीं आया, ये बड़ा बड़ी बात है। और ये रिव्यू आप क्या कहते हैं रिप्ले देखने के बाद कमेंटेटर्स के दिमाग में आया ओ ये मिस कर गई है चाहे बाकी जिनकी टीम मेट्स, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आपके भाई इसने लिया क्यों नहीं, मेन वजह ये थी कि पिछले पैर पर गेंद नहीं किया। उसके बाद से चार्ल्स तो बहुत शानदार डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर इनको फ्रेंचाइजी लीग में उनकी बल्लेबाजी करते देखे तो बहुत अच्छा खेलते, और स्टोक भी बड़ा अच्छा था जिसपे आपका तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़ा, बहुत शानदार। और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी को मैं कहूँगा कि मैंने उनका आई थिंक दो बार IPL देखा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, उनको जरूर टीम में मौका मिलना चाहिए। और अच्छी कैच थी वो उनकी कुलदीप यादव गेंद पे, और बैक टू बैक विकेट दिलाई थी उन्होंने, उसके बाद से ब्रैंडन किंग की विकेट निकाली चैनल, तो एक ही ओवर में जो दो विकेट बैक टू बैक आई वहाँ कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज टीम जो बैक फुट पर नजर आती थी चलेंगे वो पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज़ को जो पोजीशन जो अच्छी शुरुआत में रही थी ना वहाँ न्यूजीलैंड चैनल ने सेंध मार दी थी। लेकिन उसके बाद से चार्ल्स की विकेट निकली, देन पूरन और रोमन पार दोनों मजे प्लेयर जिस तरीके से दोनों ही खिलाड़ियों ने संभल के खेलते हुए, सबसे बड़ी बात क्या संभल के खेलते हुए टीम को स्कोर को धीरे 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 आगे बढ़ाते हुए, उन्हें पता था कि अगर हमें टोटल 150 प्लस ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं शायद T20 मैचेज है, T20 मैचेज में आप प्रिडिक्ट नहीं हो सकते, सो वो काम उन्होंने किया। उन्होंने धीरे धीरे खेल के पूरन ने 41 और 48 रन आपके रोमन पावल ने बनाया, और दोनों ने ही एंड में रनगति को बढ़ाने की कोशिश की। रोमन पावल ने तो काफ़ी अच्छे रिक्स भी लगाए और अच्छा एक शानदार था, लेकिन अर्शदीप जो अच्छे खासे मैनर साबित होते अपने लास्ट ओवर में 2 विकेट निकाल के जो वेस्ट इंडीज का स्कोर आई थिंक नियर अबाउट 170 प्लस की तरफ बढ़ चला था, उन्होंने उसे वहाँ पर ब्रेक थ्रू रखा और एक 149 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज टीम को अपने दोनों की पूरी तरह से रोक दिया। और वो एक एक, एक अच्छी गेंदबाजी रही, कप्तानी अच्छी रही हार्दिक पांड्या की, पूरी कप्तानी तारीफ करूँगा खुद की, उन्होंने 4 ओवर बहुत अच्छे निकाले और अपने गेंदबाजों के अच्छे बीच के भारतीय गेंदबाजी का विश्लेषण अगर कर लेंगे, हर्षदीप ने 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट और वो लास्ट ओवर इनका जिसने 2 विकेट निकाली, और इफेक्टिव ओवर था वही शुरू के 3 ओवरों का अगर भूल जाए लास्ट ओवर में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की जब वो सुपर्ब। मुकेश कुमार ने 3 ओवर में 24 रन, अक्षर पटेल 2 ओवर में 22 रन, चहल 3 ओवर 24 रन 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 4 में 27 एक और कुलदीप यादव 4 में 20 150 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए। और ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जिस तरीके भारतीय लाइनअप है, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव T20 के महाशीर पहले भारतीय टीम के पास है, तो ये 150 रन का लक्ष्य कोई ज़्यादा मुश्किल बना नहीं था, लेकिन इसे मुश्किलों से भरपूर बना दिया वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों ने। जी हाँ, अभय मोक्कर ने जिस तरीके से शुरुआत करवाई, ईशान किशन की विकेट जिस तरीके से उन्होंने निकाली है, और सबसे उससे भी पहले जब आप शुभमन गिल के अकील हुसैन की गेंदबाजी आप स्पिन है ऑर्थोडॉक्स स्पिन करते हैं तो ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अगर आपने उनकी गेंदबाजी एक तो ये रेगुलर 4 ओवर निकालते हैं ओडिया मैचेस में 6 से 7 ओवर रेगुलर पिच को पकड़ते हैं, ग्रिप को पकड़ते हैं और एक लाइन पकड़ के चलते हैं, वहाँ से वो भटकते नहीं है 1 से 2 विकेट, और कभी कभी अगर इनकी गेंद ने वहाँ से स्पिन करना शुरू किया तो फिर विकेटों का कॉलम पड़ता है। अकील हुसैन पहली विकेट दिलाई थी जरूरत थी वेस्ट इंडीज के लिए,
और वहाँ सूर्य कुमार और फिर ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा सा सुदृढ़ करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाल में फंसते गए। अगर डॉक्टरों की जल्दबाजी को जानते हो, मैं जानता हूँ उसको कि मैंने देखा हाई ऑन एक्शन के साथ जब वो गेंद को हिट करते हैं, डैक हिट करते हैं, तो वहाँ से गेंद बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट ऑफ गुडलैम से जस्ट शॉर्ट रहने के बाद गेंद जब बाउंस होते हैं वहाँ से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ईशान किशन की विकेट निकाली उन्होंने, और उधर से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। हाँ, तिलक वर्मा की जो बात आप लोगों से कर रहा था, क्रूज इंसान 22 गेंदों में 40 रन, एक अच्छी खासी अटैकिंग पारी खेली उन्होंने। सूर्य कुमार यादव उस तरीके से नहीं खेली, 21 रन बना। हार्दिक पांड्या उन्होंने, और फिर एक तरह से मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज टीम ने भारतीय टीम को एक चक्रव्यूह से फंसा लिया, चाहे वो हार्दिक थे चाहे वो तिलक वर्मा। आपका रोमानी शेफर्ड की जो गेंदबाजी, वो दूसरे ओडीआई मैच में गेंदबाजी दिखी थी जहाँ उन्होंने 2 विकेट निकाल के वेस्ट इंडीज टीम को जीत दिलाई, यहाँ उनकी गेंदबाजी लास्ट का जो ओवर देगा आप लोगों ने जिस तरीके से उन्होंने कुलदीप यादव की विकेट निकाल दी, अरे दैट वाज अ क्रूशियल पॉइंट। वो भली लास्ट ओवर तकरीबन 8-9 रन की दरकरार थी और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, वो यॉर्कर जो पूरी तरीके से कुलदीप यादव को खोल दिया, अर्शदीप ने उससे पहले वाले ओवर में 2 बाउंड्रीज लगा के मैच को पूरी तरीके से खोल दिया था, मैच में जान डाल दी थी, और वो जो स्ट्राइक उन्हें नहीं मिली उसके बाद से कुलदीप यादव का विकेट निकल जाना, देन आपका युजवेंद्र चहल। और देखिए क्या एक सिनेरियो घटा, क्या नाटकीय घटनाक्रम घटा उस पूरे मैच के दौरान। और मैं कहूँ भारतीय थिंक टैंक जिस बात की बात कर रहा था आप लोगों से, एक बड़ी बहुत ही रोचक तथ्य आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस बारे में एक ये था कि युजवेंद्र चहल को पहले ग्राउंड पर भेज दिया गया, सडनली से रियलाइज किया गया कि यार ये हिट लगा ही नहीं पाएगा और ये लास्ट ओवर हमें हिट की जरूरत है, शिव मुकेश कुमार को भेजा जाए, लेकिन जब तक खिलाड़ी अंदर मैदान में आ चुका था और फिर वो बिना आउट हुए या रिटायर आउट हुए नहीं जा सकता, तो मैं कहूँगा भारतीय मैनेजमेंट और फिफ्थ टाइम कहाँ था उसे ये पहले से नहीं पता चला, युजवेंद्र चहल को भेजने के बाद ही पता चला कि हाँ भाई ये तो नहीं खेल पाएगा, इसलिए मुकेश को भेजना चाहिए था। इस पूरे घटनाक्रम में 2-3 मिनट का समय बर्बाद हुआ, खिलाड़ी का मनोबल टूटता, सोचो अगर क्या अगर मुझे किसी काम को दिया गया सडनली से वो काम छीन के मैं सामने किसी और को दे देगा, तो कहीं कहीं मुझे लगेगा यार मेरे को मुझे तो विश्वास नहीं है क्या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ता है। और इसका मेरा पहली गेंद तो सिंगल निकाले चैनल, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में वो बात चल रही थी क्यों यार उन्होंने मुझे इस तरीके से अंदर बाहर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर हमारे शेफर्ड की गेंदबाजी, अर्शदीप के पास कोई चारा नहीं था स्ट्राइक डबल करने के अलावा और वहाँ वो रनआउट हुए, लेकिन पूरी तरीके से मतलब वेस्ट इंडीज टीम की गेंदबाजी बेहतरीन रही जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से, अकील हुसैन 4/17 जो मैं बात कर रहा था वो एक इफेक्टिव था, 1 विकेट निकाली, मक्कर ने 4/28 2 विकेट, अल्लारी 2/4, और इस गेंदबाज पर चलना बहुत जरूरी है। आने वाले समय 5 T20 मैचेज हैं, एक निकल चुका, देखना पड़ेगा अगर ये वेस्ट इंडीज का ये तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ अगर अपने लय में दिखता तो भारतीय टीम को बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली। दोस्तों जिस तरीके से पहला T20 मैच घटा, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज टीम ने स्टार्टिंग में भारतीय टीम से बेहतरीन प्रदर्शन किया, 4 runs रोमांचित जीत हासिल की, लेकिन क्या इस पूरे सिनेरियो को बॉलिंग से लेकर बैटिंग फील्डिंग जिस तरीके की रही वो दूसरे मैच में भी इंट्रोड्यूस कर पाती है। वेस्ट इंडीज टीम के साथ सबसे बड़ी कमी क्या है, पिछला किया हुआ प्रदर्शन को पूरी तरीके से भूल जाती है और नए मैच में नए एक्सपेरिमेंट के साथ जाना चाहती है, और ये उसकी कमी है। और यहीं पर मैनेजमेंट का काम बड़ा हो जाता है कि आप किस तरीके से टीम को हैंडल करके उसको बारीकियों से क्या चीज़ आप बताते हो। उम्मीद करेंगे वेस्ट इंडीज टीम बेहतरीन तरीके से खेले, सबसे पहले भारतीय टीम पलटवार करे और शुभमन चाहे वो ईशान हो चाहे सूर्य कुमार यादव उनका बल्ला चलना चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी बेहतरीन चल रही है, गेंदबाजी में कोई दिक्कत नहीं है। 49 runs और आपने सामने टीम को रखा ताकि उस युवा सुनता हूँ, क्योंकि ऑपोजिशन टीम में जो खिलाड़ी हैं वो बचकाने नहीं है, उनका एक अपना और है, अपना नाम है, परफॉर्मेंसेज है, वो सब एक महान खिलाड़ी है, और आप 49 पर रोकते हैं ताकि आपने अच्छी गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी को थोड़ा सा काम यहाँ पर बढ़ जाता है। तो दूसरे T20 मैच में देखना होगा किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज पलटवार करते थे। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपने कमेंट करके बताएगा, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो के सूचना दिखाएंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार के लिए। थैंक यू सो मच।